और सुशांत मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम इस वक्त एक्शन में है। सीबीआई की जांच का आज चौथा दिन है और लगातार सीबीआई की टीम गवाहों से पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही आज रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया के साथ सुशांत के स्टाफ नीरज और दीपेश सावंत से भी आज पूछताछ की जा सकती है। इस बीच सीबीआई के रडार पर अब रिया का परिवार है। सीबीआई जांच में शामिल होने के लिए रिया के परिवार को समन जारी कर सकती है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से दिव्येश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या हमारे संवाददाता इस वक्त रिया के घर के बाहर से मौजूद है। शम्स ताहिर खान हमारे संवाददाता इस वक्त सुशांत के घर के बाहर से मौजूद है। सबसे पहले शम्स का रुख करेंगे। शम्स, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? सीबीआई की पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चली रही है, लेकिन इसके अलावा आज कौन कौन से नए चेहरे हैं, नए नाम हैं जो कि पूछताछ में शामिल किए जा सकते हैं? नया चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एक चेहरे पे हर एक की नजर है और वो है रिया चक्रवर्ती, जिनसे पूछताछ होनी है। और कल से लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज उनसे पूछताछ हो, उनके परिवार के बाकी लोगों से, उनके जो माँ बाप हैं और भाई हैं उनसे पूछताछ हो। तो पूछताछ होनी है, समन भी जा चुका है, वक्त और जगह ये अभी सीबीआई ने थोड़ा गुप्त रखा है और थोड़ी देर के बाद खुलासा हो जाएगा। लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं यहां, उसके बारे में जो अहम सीबीआई से ही जानकारी निकल कर आई है वो यही है कि सैटरडे और संडे दो दिन यहां तक ट्रायल हुआ, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया डमी के साथ। उसके बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है, तमाम वो बेड और फैन के हाइट को देखते हुए, कि यहां पे इस बेड पे खड़ा होकर एक आदमी बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्टूल के गले में फंदा कस सकता है, यानी कि सुसाइड यहां पे कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ये चीज इसलिए पहले पता किया गया कि क्या एक आदमी बेड पे खड़े होकर अपने आप खुद ही फंदा कर सकता बिना स्टूल के, ये जानना जरूरी था। डमी ट्रायल के जरिए उसका जवाब मिल चुका है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता है कि इस मौत का सच क्या है, क्योंकि जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी देखकर अपनी राय नहीं देंगे, जब वो राय दे देंगे तो फिर यहाँ का जो ट्रायल और जो सीन रिक्रिएट हुआ और जो यहाँ सीबीआई जिस नतीजे पर पहुंची, उन दोनों को मिलाया जाएगा और उसके मिलाने के बाद ही आखिरी ये फैसला होगा कि आखिर इस मौत का सच है क्या। बिल्कुल, ये देखना होगा। उधर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है हमारे संवाददाता दिवेश सिंह। दिवेश, अभी वहां क्या चल रहा है? सिद्धार्थ पिठानी को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी नेहा, यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है, इसके अलावा नीरज सिंह जो कि कुक थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनको बुलाया गया, और केशव बचनेर जो कि कुक और हाउस हेल्प के तौर पर काम किया करते थे उनको भी बुला लिया गया है। वो तीनों ही लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तीनों से ही यहाँ पर अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीबीआई आज फिर तीनों ही चश्मदीदों से पूछताछ करेगी। ये चश्मदीद इसलिए हैं क्योंकि ये की विटनेस हैं जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की बॉडी को देखा था, सुशांत को मृत पाया था। अपने स्टेटमेंट के हिसाब से इन तीनों ने ही बताया था कि किस तरीके से सुशांत अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था, उन्होंने लॉक बंद था, उसके बाद चाबी वाले को बुलाया गया, सिद्धार्थ सबसे पहले थे दरवाज़ा खुलने के बाद, सिद्धार्थ पहले अंदर गए, उसके बाद नीरज, दीपेश और केशव अंदर गए और तीनों ने ही पाया था कि सुशांत पंखे से लटके हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद सिद्धार्थ ने उन्हें एक छुरे के मदद से उस कपड़े को काटा, उस कुर्ते को काटा जिससे सुशांत लटके हुए थे, उनकी बॉडी को नीचे लाया गया, उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की गई, उनके छाती पर प्रेशर बनाकर सीपीआर देने की कोशिश की गई, रिवाइव करने का कोशिश किया सिद्धार्थ ने, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और चारों ही लोग जो कि उस वक्त घर में मौजूद थे, सिद्धार्थ, केशव, दीपेश और नीरज, चारों ने ही अपने स्टेटमेंट में यही बताया था मुंबई पुलिस को। और उसके बाद अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन 14 जून के दिन जिस दिन विद्या, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कहां पर और कितने बजे रिया से पूछताछ की जाएगी? जी देखिए मीनाक्षी, फिलहाल यही अभी पुख्ता कर रही है सीबीआई की क्या मामला किस तरह से ये मोड़ लेता है, क्योंकि जिन लोगों से अभी पूछताछ कर रही है वो सबसे अहम है, वही में जो रिया तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे कि किस तरह से उन्हें रिया से पूछताछ करनी है। ये सवाल, ये पूरी बातें उन्हें इन्हीं लोगों से पता चलेगी जिनसे वो फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। जिन उन लोगों से पूछताछ होने के बाद ही रिया पर से पूछताछ होगी और इसके बाद ही पता चलेगा जबकि समन्स इश्यू कब होंगे।
फिलहाल समन्स की कोई बात नहीं हुई है, फिलहाल समन्स पर रिया को गए हैं कि नहीं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन रिया से पूछताछ आज या कल में होनी है ये पुख्ता है। विद्या, इस बीच रिया चक्रवर्ती कहां पर हैं, क्या इसी घर में वो मौजूद हैं? और क्योंकि प्राइम अक्यूज हैं तो ऑब्वियसली वो भी अभी लोगों से मुलाकात कर रही होंगी, लीगल एडवाइजेस ले रही होंगी, किस तरह से अभी रिया आगे के लिए क्या तैयारी कर रही है? जी देखिए, रिया इससे पहले भी ईडी के दफ्तर में जा चुकी हैं, उनसे वहां भी पूछताछ हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने भी उनसे लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है, तो दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने वो ऑलरेडी पेश हो चुकी हैं। ये सीबीआई अब तीसरी एजेंसी है जिनके सामने वो पेश होंगी, पेश जरूर होना है, लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल वो इस वक्त घर में ही है और वहां पर रहकर वो अपने, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते कोरोना के समय में, ये डिजिटली या वर्चुअली ही वो अपने वकीलों से संपर्क में है, उनसे बातचीत चल रही है, उनके वकीलों की जो टीम है वो अक्सर उनके घर पे आती रहती है और उनसे बातचीत होती है, डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद ही उनकी आखिर किस तरह का स्टेटमेंट है, क्या बोलना है, किस तरह से बात होगी, ये सारी चीजों का खुला बातें होके उसके बाद ही वो सीबीआई के सामने जाएंगी। उनके पास भी समय है, लेकिन जो उनसे जुड़े लोग हैं उनसे फिलहाल सीबीआई पूछताछ कर रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले आपको ये बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। उस बीच 6 दिन में ऐसा क्या कुछ हुआ, इसको लेकर तमाम कयास हैं, तमाम सवाल भी हैं जिनका जवाब सीबीआई को तलाशना है। तो उस दिन मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और नीचे गेट पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा बोल के अंदर से कर दिया, कपड़े पे डाल दिया हमने, मैंने पैक करके, और कपड़े भी थे उनके, उन्होंने बोला मैं बाद में आके लूँगी, ये कपड़े डाल, मतलब डाल के बीच रख दिया, तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, तो मैंने चली गई थी। थोड़ा थोड़ा इतना भी नहीं था, मतलब बोली नहीं ठीक था, चली गई। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया, तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है? जो ये पिठानी और जो वहां पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था, तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।